हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपको ग्रुप वन के जो लास्ट 7 डेज़ का रिवीजन शेड्यूल होने वाला है वो आपको बताने वाला हूं, और इसमें हम आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके साथ मैं आपके सामने शेड्यूल दिखाऊँ सीधा। अब हमारा सी ए इंटर May 23 का मास्टर प्लान क्या होने वाला है, आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 May 23 को है, और उसके लिए आपको कितना टाइम देना है अकाउंट्स के पेपर के लिए। लेकिन ये बात पहले समझ लें कि ये प्लान इस के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि आप 80+ मार्क्स लाने वाले हैं। हम 80+ मार्क्स के लिए ही मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी हमारा ग्रुप वन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आपका पहला पेपर अच्छा हो जाता है तो ग्रुप वन आराम से ईजिली निकल जाता है, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई मैंने 80+ स्कोर कर लिया, अब मेरे को आगे जाकर आसानी होगी। क्या सर एक्चुअली में 80+ आ सकते हैं? ज़रूर आ सकते हैं बेटा, पहले भी बहुत बच्चों के आए हैं और आपके भी आ सकते हैं। बस आप इस स्ट्रैटेजी को माने, फॉलो करें प्रॉपर तरीके से, और जब जब मैं आपके पास आऊँ यूट्यूब के ऊपर ताकि आप उसको अच्छे से और रिवाइज कर सकें, उस बात को समझिएगा। तो बेटा आपने क्या करना है, अपनी रिविजन स्टार्ट करनी है वो 26 अप्रैल से करनी है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 17 अप्रैल के दिन, यहाँ से करीबन आपके पास 9 दिन है। 8 से 9 दिन के अंदर आपको अपना जो बाकी करना है करते रहिए, लेकिन यहाँ से अब मैं चाहता हूं कि आप 26 अप्रैल से आप अपना अकाउंट्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से चैप्टर आप करेंगे वो भी मैं बता के जा रहा हूं आपको। हमारी बुक के अकॉर्डिंग आपको कैसे रिवीजन करनी है वो आपके सामने है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो कि एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स का आता है, बोनस से राइट इश्यू है, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है, ये आपका फर्स्ट डे का टारगेट है। इस फर्स्ट डे के टारगेट में आपको खत्म करना है। सर करना कहाँ से है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो आपको दी गई है, उस लिस्ट को मैं ऑलरेडी 1 महीने पहले दे चुका था आपको। अब आकर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस नहीं भी ली हैं बच्चों, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो उसी लिस्ट के अंदर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो वाला पार्ट करना है, लेकिन करना ज़रूर है। मैं आपको बता दूँ 80+ मार्क्स लाना बहुत आसान है। ICAI अपना पेपर मॉड्यूल से देता है, पास एग्जाम क्वेश्चन से देता है, और उसके अलावा कुछ RTP MTP से देता है। हमें उस चीज़ को कवर करके हमने अपनी बुक में डाला हुआ है ताकि बच्चों को आसानी रहे, सब कुछ अलग अलग से ना ढूंढना पड़े, तो सब कुछ कहाँ पर कवर है। सर हम AS कैसे करेंगे बेटा? AS देखो क्या लिखा हुआ है, रिवाइज करना है AS 1 और AS 13। कब? खुद करना है? नहीं, मैं कराऊंगा। मैं आपको शाम को आकर उस दिन 8-9 बजे हम जो भी टाइम रखेंगे उस शेड्यूल को मैं आपको बताऊंगा, यानी कि 26 तारीख से मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाऊंगा और आपको ये वाला पार्ट रिवाइज कराऊंगा, भाई AS 1 AS 13 किस तरह से आपके साथ साथ चलते रहेंगे। 26 तारीख का शेड्यूल ये रहेगा। उसके बाद 27 अप्रैल अगले दिन का शेड्यूल क्या है? इन्वेस्टमेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि आपने AS 13 लास्ट डे रिवाइज कर लिया होगा मेरे साथ। अब आपके पास 27 अप्रैल को आपने इन्वेस्टमेंट, हायर परचेज, ये दोनों निपटाने हैं, 20 मार्क्स में आते हैं, और फिर AS 3 उस दिन हम रिवाइज करके जाएंगे प्रॉपर तरीके से। एंड देन आफ्टर दैट 28 अप्रैल को कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, मैंने वो AS पहले रखा है ताकि अगले दिन आप उसके चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकें। रोज का टारगेट यही लेके चल रहा हूँ कि 20 से 25 मार्क्स आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में क्वेश्चन है वो सारे कर लें। अगर आपको लगता है कि इसे करने का आपके पास टाइम बच गया है, तो आप लॉ, इको, GST, इको बोल रहा हूँ, लॉ आपका क्या कहते हैं कॉस्टिंग, या फिर आपका टैक्स में GST वगैरह जो भी है आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो थर्ड डे का शेड्यूल में ये रहेगा चैप्टर्स का पार्ट। AS 16 हम उस दिन रिवाइज कराएंगे आपको, और उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ डे, फिर से सिंगल एंट्री सिस्टम, कंपनी फाइनल अकाउंट्स 10 से 15 मार्क्स, बैलेंस शीट प्लस स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन 10 से 15 मार्क्स, पिछली बार भी 25 मार्क्स में आया है कंपनी फाइनल अकाउंट, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर इस दिन हम शाम को आकर AS 2 रिवाइज करेंगे आपके साथ में। फिफ्थ डे यानी कि 30 अप्रैल के दिन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिपार्टमेंट अकाउंट्स, 10-10 मार्क्स के टॉपिक फिर से हैं, और AS 10, क्योंकि ये दो टॉपिक छोटे हैं मैंने इसलिए AS 10 को रखा है, बड़ा AS होता है, टाइम लगता है और कंप्लीट करना है, तो इसलिए हमने फिफ्थ डे रखा है। अच्छा सर आप सिर्फ AS रिवाइज कराओगे? नहीं बेटा, मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करा के जाऊंगा ताकि आपको AS को लेकर टेंशन ना रहे। जब से मैंने ये AS वाली सीरीज एग्जाम से पहले शुरू की है, मैं लिटरली बहुत चेंजेस देख रहा हूँ, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं AS के अंदर, लेकिन कई बार गलतियाँ ये होती हैं जो ये बाकी चैप्टर्स हैं ना वो ढीला छोड़ देते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ इन दिनों में बिल्कुल भी ओरल रिविजन नहीं करनी है, जितना हो सके रिटर्न रिविजन करनी है। कई बार मैंने बच्चों के मार्क्स देखे 46 अकाउंट्स में आए, इसमें से 20 में से 18 तो AS में थे, 28 मार्क्स थे बाकी में, क्योंकि मैंने पूछा रीज़न क्या रहा, तो जी रीज़न ये निकल के आया कि उन्होंने एक भी क्वेश्चन ढंग से हाथ से करके नहीं देखा, ओरली करके चले गए। बस वहाँ गलती है, आपको रिविजन को करना है तो हाथ से करना है, रिटर्न प्रैक्टिस की फॉर्म में करना है। जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ना रिविजन के अंदर वो बहुत है, मोर देन इनफ है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना स्टडी मैट ना कुछ अलग से कुछ।
हमारी बुक में सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद 6th day 1st May 2023, जिसमें आपने क्या करना है, ब्रांच अकाउंटिंग करनी है 5 से 15 मार्क्स। जनरली 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा गट फीलिंग है कि भाई इस बार फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आ सकता है, और आरटीपी May 23 में फॉरेन ब्रांच का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है जो एग्जाम में बन सकता है। और उसके बाद रिवाइज हम AS 11 भी करेंगे उस दिन, जिससे आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और 7th day 2nd May रिविजन ऑफ ऑल टॉपिक्स प्लस AS 12 मैं कराऊंगा आपको आके, जिससे आपका 7th day आते आते आपका पूरा 6 दिन का रिवाइज अच्छे से हो जाएगा, और AS 12 हमने कंप्लीट कर देना है। तो शेड्यूल वाइज अगर मैं चलूँ प्रॉपर तरीके से, तो एग्जाम डे तक आते आते आप सब कुछ खत्म कर चुके होंगे और एक बार रिवाइज भी कर चुके होंगे। और 3rd May जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन मॉर्निंग में आपने अपना ऑल AS का रिविजन डालना है, और साथ साथ जो फ्रेमवर्क की थ्योरी है थोड़ी बहुत वो वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया तो 7 दिन के अंदर आपका बहुत अच्छे से अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा। 7 दिन काफ़ी होते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें बीच में लॉ या GST वाला पार्ट जो भी आपको लगे कि आपको रिवाइज करना चाहिए ताकि थोड़ा आसानी हो जाए आपको, आप उठा सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है वो सारी करनी है। मुश्किल से मिलाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में 200+ क्वेश्चन हैं। उन 200+ क्वेश्चन को हम 7 दिन में डिवाइड करें तो रोज के 25 से 30 क्वेश्चन का एवरेज निकलता है। वो आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपके 80+ मार्क्स कहीं नहीं गए। बस यही बात ध्यान रखनी है कि वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। पिछली बार बहुत बच्चों के 6 मार्क्स आए थे, कुछ बच्चों के खराब भी आए थे, लेकिन खराब का रीजन जब मैंने जाना तो कमी एक ही निकली कि हमने रिटर्न अपने प्रैक्टिस नहीं करी। एक चीज आप और कर सकते हैं, इस दिन या 2nd May के दिन आप MC जो हमारे टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है उसे भी दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 3-3 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, जहाँ से आकर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो गलती एग्जाम में होने वाली है वो एग्जाम से 2 दिन पहले आप पेपर में यहाँ कर लेंगे ना तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो आपको ये बात जरूर समझनी है कि रिटर्न प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस आपका पेपर बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने ये कंप्लीट करना है। और अब आने वाले दिनों में प्लीज साथ साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ जिससे आपका रिवीजन पैटर्न बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो टच में रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी, आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। लेकिन इन दिनों में प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए। इस लास्ट सीजन को स्टार्ट करने से पहले आपने जितना हो सकता है अपने बाकी सब्जेक्ट्स का पार्ट कंप्लीट करना है। मुझे लगता है कि इस वक्त आपको कॉस्टिंग या टैक्स पढ़ना चाहिए, और अगले 5 दिन जो उसके बाद आप बात में आने वाले हैं, 26 से पहले वाले जो 5 दिन आने वाले हैं उसमें आपको लॉ पढ़ना चाहिए, तो आपका बहुत बेस्ट होने वाला है। और इनकेस अगर आप बोथ ग्रुप्स वाले हैं तो टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको बाकी सब सब्जेक्ट से, और उसके अकॉर्डिंग अपने ग्रुप 2 के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडवांस अकाउंट्स FME को ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है। तो इसीलिए प्लीज़ लगे रहिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, और बहुत अच्छे से भी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जय माता दी।